एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ दो लग्जरी स्मार्ट वॉच के साथ, जिसका करेंगे आज हम कंपैरिजन और देखेंगे क्या क्या है इन दोनों स्मार्ट वॉच में डिफरेंस, कैसी है इनकी बिल्ड क्वालिटी, कैसे वर्क करते हैं सेंसर्स, क्या क्या मेजर डिफरेंट देखने को मिलता है स्मार्ट वॉचेस के अंदर, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। एक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन के ऊपर फायरबोल्ट ऑल न्यू क्वांटम स्मार्ट वॉच और दूसरी है फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा। जी हाँ, दोनों स्मार्ट वॉच का प्राइस जो है अभी लगभग आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। दोनों वॉच अभी आप लोगों को अंडर 3500 देखने को मिलने वाली है। तो चलते हैं फटाफट इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करेंगे दोनों वॉच के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों स्मार्ट वॉचेस में मेटालिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर फायरबोल्ट क्वांटम में आप लोगों को प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने को मिल जाती है, बैक साइड में भी मेटल का ही यूज किया गया है। इसके अलावा बात करूं फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा के बारे में, तो इस वॉच में भी आप लोगों को मेटालिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा मैग्नेटिक मेटल स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया 22mm का, जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया यार और काफी इजी टू वेयर भी है। बाकी दोनों ही वॉच में आपको साइड में एक बटन देखने को मिल जाता है। फायरबोल्ट क्वांटम में आप लोग बटन प्रेस करके मेन मेन्यू में चले जाते हो, जहाँ पे वॉच के फीचर शो जाते हैं। एंड वहीं बात करूँ फिनिक्स अल्ट्रा की, तो इसमें आप लोग बटन प्रेस करके बैक जा सकते हो। बाकी दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको माइक एंड स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज कर पाओगे। और ऑफ कोर्स दोनों ही स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 22mm का मेटालिक स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है। फिनिक्स अल्ट्रा में रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिलेगा, वहीं क्वांटम की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रैप को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, खुद से आप लोग सर्विस सेंटर में ही जाके इसको चेंज करवा सकते हो। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों स्मार्ट वॉच काफी टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों का रिस्ट थोड़ा सा थिन है तो आप लोग फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो को ले सकते हो। फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा यूनिसेक्स स्मार्ट वॉच है, फीमेल या फिर मेल कोई भी इसको पहन सकता है, तो ये दोनों पे ही अच्छी लगने वाली है। वहीं बात करूं फायरबोल्ट क्वांटम की, तो ये स्मार्ट वॉच थोड़ी सी बल्कि थिन रिस्ट वालों पे ज्यादा सूट नहीं करने वाली है। अगर आप लोगों को थोड़ा हैवी या फिर गोरिल्ला हैंड है तो आप लोग इस वॉच को पहन सकते हो, काफी अच्छा लगने वाला है। बाकी दोनों ही स्मार्ट वॉचेस काफी प्रीमियम देखने में लगती है। अब बात करेंगे वॉच के सिमिलर और डिफरेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले सिमिलर फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही वॉच में आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ ट्रैकिंग की बात करूं तो SPO2, हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाने हैं। बाकी बात करते हैं बेसिक फीचर्स की, तो म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, स्टॉप वॉच, अलार्म, फाइंड माय फोन जैसे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और वाटर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको IP67 की रेटिंग प्रोवाइड की गई दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में, तो आप लोग नॉर्मल बारिश में पहन के निकल सकते हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आने वाली। वहीं बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो दोनों ही स्मार्ट वॉच में कंपनी क्लेम करती है 7 डेज का, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग कॉलिंग का फीचर यूज करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों वॉच में 1 से 2 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। अब बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले फायरबोल्ट क्वांटम की बात करना चाहूंगा। इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.28 इंच की HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट काफी बढ़िया है यार। इस वॉच को आप लोग आउटडोर इंडोर कहीं भी यूज करोगे तो विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। 240x240 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया स्मार्ट वॉच में, जिसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। बाकी इस वॉच में आपको हेल्थ ट्रैकिंग का एक एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड किया गया, जो कि है BP मॉनिटर का। इसी के साथ साथ बात करूं स्पोर्ट्स मोड की, तो इस वॉच में 100 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। डेली लाइफ में जो भी यूजफुल स्पोर्ट्स मोड होते हैं सारे इस वॉच में अवेलेबल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी स्मार्ट वॉच में आप लोगों को TWS पेयरिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 128MB स्टोरेज भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे गाने वगैरह स्टोर कर सकते हो और उसको एंजॉय भी कर पाओगे। अब बात करेंगे फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा के बारे में, तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.39 इंच की काफी बढ़िया HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है आपको फायरबोल्ट क्वांटम के मुकाबले। और यहाँ पर भी क्वालिटी काफी सुपर प्रोवाइड की गई है, आउटडोर इंडोर कहीं भी आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो, विजिबिलिटी को लेके कोई भी इशू फेस नहीं करने वाले आप लोग। बाकी इस वॉच में भी आप लोगों को 240x240 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करूं तो इस वॉच में आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो इस वॉच में आपको 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। और इस वॉच में भी आप लोगों को हेल्थ ट्रैकिंग का एक एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड किया गया, जो कि है ब्रीथ मॉनिटर का। बाकी यहाँ पे आप लोगों को टाइम पास के लिए गेम भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको खेल के टाइम पास कर सकते हो। तो इस वॉच में भी आप लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करेंगे दोनों वॉच के UI परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो दोनों ही स्मार्ट वॉच के UI ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम परफॉर्म करती है, कहीं से भी लैग या फिर हैंग जैसा इशू फेस करने को मुझे नहीं मिला है। बाकी मैं ओवरऑल UI परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा की UI थोड़ी बेटर लगी है। अब चलते हैं और एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं दोनों स्मार्ट वॉच को पहनकर और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करती है हमें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना हार्ट रेट टेस्ट किया दोनों स्मार्ट वॉच को पहनकर, और आप लोग यहाँ पे खुद भी देख पा रहे हो
अभी तक लगभग सिमिलर डेटा देखने को मिल रहा है दोनों स्मार्ट वॉचेस में, और एट द एंड में यहाँ पे दोनों स्मार्ट वॉच में काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। हार्ट रेट के मामले में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो रीडिंग का ही फर्क देखने को मिलता है। कभी यहाँ पर फायरबोल्ट क्वांटम ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है और कभी फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा। बाकी अब बात करते हैं एसपीओ 2 के बारे में, तो यहाँ पर भी दोनों वॉच काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है और एट द एंड यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो रीडिंग का फर्क देखने को मिलता है दोनों स्मार्ट वॉचेज में। अब जल्दी से कॉलिंग टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी बेटर है। हाँ फियाज, क्या हाल है भाई? बढ़िया, अपना ही बढ़िया है। अच्छा, और आवाज कैसी आ रही है मेरी? अच्छा एक्चुअली ना मैंने अभी वॉच से कॉल किया है तुझे, तो मैं सोच रहा था इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है वो चेक करना चाह रहा था। तो अभी मेरी वॉइस अच्छा, चलो ठीक है, बस ये पूछना था। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्लियर आएगी। एक्चुअली वॉच से कॉल कर रहा था मैं। तो कौन सी वॉच आ गई है? फायरबोल्ट की आई है। चल ठीक है, चल ठीक है। कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने दोनों ही स्मार्ट वॉच का देख लिया, यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा कौन सी ज्यादा बढ़िया, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना मुझे। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही स्मार्ट वॉचेज यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करती है। अब फाइनली आते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, कौन सी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप लोगों के चॉइस के ऊपर। तो देखो यार, फायरबोल्ट क्वांटम जो थोड़ी सी हैवी स्मार्ट वॉच है, तो अगर आप लोगों का रिस्ट थिन है तो आप लोग फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा के साथ जा सकते हो, बट अगर आप लोगों का हैंड थोड़ा गोरिल्ला टाइप है तो आप लोग फायरबोल्ट क्वांटम को भी चेकआउट कर सकते हो। और फायरबोल्ट फिनिक्स अल्ट्रा फीमेल्स भी पहन सकती है, उनके ऊपर भी काफी बढ़िया लगने वाली है स्मार्ट वॉच। इस वॉच के साथ आप लोगों को मैग्नेटिक स्ट्रैप मिल जाता है जिसको काफी इजी तरीके से आप लोग पहन सकते हो, और फीमेल्स पे भी काफी बढ़िया लगने वाली है स्मार्ट वॉच। और यार देखो, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। ये फायरबोल्ट क्वांटम आप लोगों को अंडर 35 मिनट काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करूं फिनिक्स अल्ट्रा की, तो ये स्मार्ट वॉच अगर आप लोगों को 2500 या फिर 3000 रुपए में मिलती है तो फटाफट जाकर इसको चेकआउट कर लेना। तो यार देख लो, दोनों ही स्मार्ट वॉच के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, जिस भी स्मार्ट वॉच में आप लोग इंटरेस्टेड हो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।